अभी शुगर पे आपका आउटलुक क्या है, और एक दो स्टॉक जो कि शुगर स्पेस से अपने आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखना चाहें, नहीं रखना चाहते इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिनको आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो? देखिए, ये क्षेत्र दो या तीन साल के बाद उभरा है, और हाल ही में अगर आप देखना जाएं पिछले कुछ महीनों में वीरेंद्र, तो कुछ स्टॉक्स 50%, कुछ 100, कुछ 150, कुछ 200% ऊपर गए हैं। गन्ने के दाम को लेकर के और चीनी को दाम को लेकर के असमंजस परिस्थिति, गन्ने के उत्पादन को लेकर के किल्लत, उसके कारण शायद जो चीनी है उसका उत्पादन भी सिर्फ हमारे देश में नहीं लेकिन जो बाकी के मुल्क हैं वहाँ पर भी मेरे ख्याल से जो पैदावार होगी गन्ने की और जो वहाँ से चीनी निकलेगी वो काफ़ी कम स्तर पर होगी, और इसके कारण आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कुछ हद तक चीनी के दाम ऊपर गए, और हमारे यहाँ पर भी एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के एक अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है। लेकिन अगर ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो गया दाम चीनी का तो मेरे ख्याल से सरकार बखूबी यहाँ पर दखल अंदाजी करेगी और कुछ तरीके से मेरे ख्याल से पाबंदियाँ लगाई जाएगी। ट्रेडिंग फेवरेट है तो उसी नज़रिए से आप काम करें, आपका जोखिम हाजमा ध्यान में रखते हुए।